नमस्कार, मी निकिता वागदे. स्टारअपिक्स न्यूज मध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करत आहे आणि बघूया आजचा स्टारचा वार. एक नजर अच्छा हेडलाईन्स वर. दोन सख्या भावांची दगडाने ठेचून हत्या, चौघांना अटक. आता बातम्या सविस्तररित्या. दोन सख्या भावांचे मृतदेह बेला पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बेल्लार पारच्या जंगलात सोमवारी दिनांक 22 जुलैला दुपारी आढळून आले. या दोघांचीही दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले असून चौघांना अटक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे दोघेही मंगळवारी दिनांक 16 जुलैपासून घरी परत आले नव्हते. शिवाय ते दारूबंदी असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात उमरेड व भिवापूर तालुक्यातील दारूचा पुरवठा करण्याचे काम करायचे. याच व्यवसायातील वैमनस्यातून दोघांचीही हत्या करण्यात आल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. लड़की है क्या? नहीं है. तो पुलिस ने आपको कोई मदद नहीं की? बार बार रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस ने नहीं रिपोर्ट? दो बार जाके वापस आ गए, रिपोर्ट नहीं ली. फिर तीसरे दिन ली. तीसरे दिन लेने के बाद फिर हम बेला चले गए. बेला में लेके आ गया है. बेला वाले ने ले लिया था. जब से ये घटना हुई 16 तारीख से, तब से वो कोई आए थे क्या तुम्हारे घर में? रिपोर्ट देने के बाद में आए थे. मैंने उन्होंने का नाम लिखाया था. मारने वाले मेरे लड़के को यही है. तो वो घर में आए थे? घर में आए थे क्या? हाँ, वो आए थे. पहले आए थे. क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे तुम्हारे लड़के को मारूंगा, धमकी दे रहा था, मार दूंगा, काट दूंगा. रिपोर्ट देने के बाद 4-5 थप्पड़ मार रहे थे. रिपोर्ट देने के पहले आए थे. आपका कोई खेती के मामले में कोई तो थोड़ा सा विवाद था ना पहले? पहले थी. आपने रिपोर्ट भी की थी? हाँ. आपको मारे भी थे उन्होंने? सास को मारे थे. तब से दुश्मनी चालू है. फिर अब शराब का मामला ये नया है? हाँ, ये वडिलो परजीत तुम्हारा झगड़ा था? कहीं गए तो पीछा भी कर देते मारने के लिए. अच्छा, आपको बताते थे क्या वो? इनको इनके वजह से मेरे को जान के खतरा है. एक दिन एक ऐसे लुक के बैठा था पांठेले के पीछे, पांजरे पर पार्टी, वहाँ पे ऐसे कम्बल ओढ़ के बैठा था, लड़के को देख रहा था, उधर से आ रहा है क्या कर. वही लड़के ने बताया मेरे को. ये तुम्हारे गाँव का एक राउत का लड़का है? वो उससे दोस्ती थी क्या आपके लड़के की? नहीं, कोई गाँव में दोस्ती नहीं करते थे. फिर वो उनका दोस्त था? सिरसी वाले कहूंगा. अपने लड़के तो कोई दोस्ती नहीं करते थे, अपने काम से काम मतलब. अच्छा, काम धंधे पे जाते थे. मतलब कहने का मतलब ये कि आपने बार बार रिपोर्ट करने के बाद भी पुलिस वाले ने कोई चौकशी नहीं करी? जब जैसे वो झगड़ा करने को आ गए थे वैसे मैंने कंप्लेंट डाल दी थी. फिर भी पुलिस नहीं आ रहे? मेरे लड़के को डरा रहे थे, धमका रहे थे, उसकी कॉलर पकड़ी थी, 2-4 थप्पड़ भी. पुलिस वाले आपको मदद नहीं कर रहे थे? कर रहे थे कुछ भी. उसकी कॉलर पकड़ी मैंने, छुटाई खुद. अच्छा, पकड़ा था 10 रखना. और वो जय सिंह बोलते वो भी आया था. वो धमका रहा था क्या? दीपा भी आया था. दीपा कौन? वो उसका भाई है, जय सिंह. दीपा, हाँ, दीपा मेरे गांव में भी, इसलिए बोल रहा हूँ. 3 जन आए थे वो. तीनों भाई, यानी एक हमारे गांव का लड़का है गंपिया करके. हाँ, वो धमकी लेके जाते थे, धमकी दे रहे थे. झगड़ा करने को आ गए थे, ऐसे अंगल पर चढ़ चढ़ के आ रहे थे. दरवाजे में खड़ी हो गई थी उनको, लड़के को अंदर ढकल दिया मैंने, मार देंगे करके. घर में कोई भी नहीं थे, ये भी थे तो दारू भी थे, छुटाने वाला कोई नहीं था. बोल रहा था तेरे को मार के भेजूंगा, हाथ पैर काट दूंगा, ऐसा बोल रहा था. आपके कोई वो जो आरोपी है वो संबंधी का है के कोई? ऐसे दूर से संबंधी? दूर से संबंधी नहीं है, अपने को नहीं लगते. ठीक है, उन्होंने मारा मेरे लड़के को. चाचा बना के? चलो ठीक है. चाचा ताऊ लगे, दूर से रिश्तेदारी है, नजदीक से नहीं है. ऐसे चाचा ताऊ लगे. ठीक है, ठीक है. संतोष सिंग तिलबितिया वय 24 वर्षे तर संगत सिंग तिलबितिया वय 22 वर्षे राहणार महालगाव तहसील भिवापूर अशी मृतांची, तर जयसिंग तलपिलिया सिरसी, अवकर सिंग बलबीर सिंग तलपिलिया राहणार सिरसी, विक्की मोहन धाडसे अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहे. दोघेही दारूच्या पेट्या चिमूर तालुक्यातील पोहोचवण्यासाठी मंगळवारी दिनांक 16 जुलैला सकाळी 8:30 वाजताच्या सुमारात त्यांच्या MH40AF0790 क्रमांकाच्या मोटरसायकलने घराबाहेर पडले होते. त्या दिवशी दारूच्या पेट्या पोहोचवून ते महालगाव येथे परतही आले, मात्र रात्री उशिरापर्यंत घरी पोहोचले नाही. दोघांचीही मोबाईल संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर असल्याने त्यांच्याशी कुटुंब संपर्क होऊ शकला नाही. इनके पहिले वगैरे रिपोर्ट दी थी? बोलो. डराते थे, धमकाते थे, मार देऊंगा घर में आके. डराते थे? माल देने को जाते थे तो उनका पीछा करते थे वो लोग. ये कितने कैसे कितने बार हुआ ऐसा? ऐसे तो 2-3 बार आए हम घर पे लड़ने के लिए. हमने बोल दी जान दे, हमने टाल दिया. समझ चौकी मैंने कम्प्लेंट भी करी उनके नाम. सिरसी चौकी में पुलिस ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया. उनकी सुने उनकी सुने उन्होंने. अच्छा,
बच्चे लोग कुछ भी नहीं करते थे, उनका लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, वो खुद लड़ने को हमारे घर में आते थे यहाँ पे। हाँ, हाँ। वो भी नहीं बोलते थे मेरे लड़के लोग किसी से झगड़ा। जिस दिन 26 तारीख कितने 16 तारीख जो घर से निकले, हाँ। वहाँ से आप बताओ 16 तारीख को 8 बजे गए घर से, हाँ। दोनों भाई क्या साथ में ले गए? माल लेके गए थे। माल लेके गए वो तो मेरे को पता है। उनके साथ पास में मोबाइल था, और कुछ के पास में मोबाइल था। अच्छा, पैसे थे। और एक तो तुम्हारा लड़का है संतोष, उनकी सगाई भी हुई थी, बातचीत पक्की हुई है। हाँ। तो पक्की हुई है। अच्छा अच्छा, दोनों भाई माल लेके 8 बजे। फिर तुमको कैसा गया? 16 तारीख को तुमने रिपोर्ट दी कि 17 तारीख को दी? हमने 18 तारीख को दी। 18 तारीख रिपोर्ट लिख नहीं थी। तब पुलिस आए थे क्या तुम्हारे घर? नहीं आए। कुछ भी चाहो कुछ नहीं वाले कोई भी नहीं आए। पहले दिन तो उन्होंने रिपोर्ट लिख नहीं थी। क्यों? क्या मालूम उनको कुछ ना। आपने रिपोर्ट दी ना? मेरा लड़का गया था। और एक लड़का है क्या तुमको? हाँ, बड़ा वाला लड़का है। मतलब तीनों भाई है? तीन भाई है, दो अभी चले गए, एक है अभी बड़ा। और लड़की है क्या? लड़की नहीं है। लड़के तो पुलिस ने आपको कोई मदद नहीं की? नहीं की मदद। बार बार रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस ने नहीं रिपोर्ट? दो बार जाके वापस आ गए, रिपोर्ट नहीं ली। फिर तीसरे दिन ली। तीसरे दिन लेने के बाद फिर हम बेला चले गए। बेला में लेके आ गया है, बेला वाले ने ले लिया। जब से ये घटना हुई 16 तारीख से, तब से वो कोई आए थे क्या तुम्हारे घर में? रिपोर्ट देने के बाद में आए थे। मैंने उन्होंने का नाम लिखाया था, मारने वाले मेरे लड़के को यही है। तो वो घर में आए थे? नाम लिखाया तो घर में आए थे क्या? हाँ, वो आए थे, पहले आए थे। क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे तुम्हारे लड़के को मारूंगा, धमकी दे रहा था, मार दूंगा, काट दूंगा। रिपोर्ट देने के बाद 4-5 थप्पड़ मार रहे थे, रिपोर्ट देने के पहले आए थे। आपका कोई खेती के मामले में कोई तो थोड़ा सा विवाद था ना पहले? पहले थी, बहुत पहले थी। आपने रिपोर्ट भी की थी? हाँ। आपको मारे भी थे उन्होंने? सास को मारे थे। सास को मारे थे, तब से दुश्मनी चालू है। फिर अब शराब का मामला ये नया है। हाँ, ये वडिलो परजीत तुम्हारा झगड़ा था? कहीं गए तो पीछा भी कर देते मारने के लिए। अच्छा, आपको बताते थे क्या वो? हाँ, इनको इनके वजह से मेरे को जान के खतरा है। एक दिन एक ऐसे लुक के बैठा था पांठेले के पीछे, पांजरे पर पार्टी वहाँ पे ऐसे कम्बल ओढ़ के बैठा था, लड़के को देख रहा था उधर से आ रहा है क्या कर। वही लड़के ने बताया मेरे को। ये तुम्हारे गाँव का एक राउत का लड़का है, उससे दोस्ती थी क्या आपके लड़के की? नहीं, कोई गाँव में दोस्ती नहीं करते थे। फिर वो उनका दोस्त था? सिरसी वाले कहूंगा, अपने लड़के तो कोई दोस्ती नहीं करते थे, अपने काम से काम करते थे। अच्छा, काम धंधे पे जाते थे। मतलब कहने का मतलब ये कि आपने बार बार रिपोर्ट करने के बाद भी पुलिस वाले ने कोई चौकसी नहीं करी? जब जैसे वो झगड़ा करने को आ गए थे वैसे मैंने कंप्लेंट डाल दी थी, फिर भी पुलिस नहीं आ रहे थे। मेरे लड़के को डरा रहे थे, धमका रहे थे, उसकी कॉलर पकड़ी थी, 2-4 थप्पड़ भी। पुलिस वाले आपको मदद नहीं कर रहे थे? कर रहे थे कुछ भी। उसकी कॉलर पकड़ी मैंने, छुटाई खुद। अच्छा, पकड़ा था 10 रखना। वो जय सिंह बोलते वो भी आया था, वो धमका रहा था। दीपा भी आया था। दीपा कौन? वो उसका भाई है जय सिंह। दीपा, हाँ। दीपा मेरे गांव में भी, इसलिए बोल रहा हूँ। तीन जन आए थे वो, तीनों भाई, एक हमारे गांव का लड़का है गंपिया करके। हाँ, वो धमकी लेके, धमकी लेके जाते थे, धमकी दे रहे थे, झगड़ा करने को आ गए थे, ऐसे अंग पर चढ़ चढ़ के आ रहे थे, दरवाजे में खड़ी हो गई थी उनको, लड़के को अंदर ढकल दिया मैंने, मार देंगे करके। घर में कोई भी नहीं थे, ये भी थे तो दारू पी के थे, छुटाने वाला कोई नहीं था। बोल रहा था तेरे को मार के भी लूंगा, हाथ पैर काट दूंगा, ऐसा बोल रहा था। आपके कोई वो जो आरोपी है वो संबंधी कहीं के कोई ऐसे? ऐसे दूर से संबंधी, दूर से संबंधी नहीं, अपने को नहीं लगते। ठीक है, उन्होंने मारा मेरे लड़के को। चाचा बना के, चलो ठीक है। चाचा था वो, लगा दूर से रिश्तेदारी है, नजदीक से नहीं है, ऐसे चाचा था वो। ठीक है, ठीक है, ठीक आहे। बोल। दरम्यान सोमवारी दिनांक 22 जुलैला दुपारी 12 वाजताच्या सुमारात बेल्लारपार येथील गुरख्यास लाकड्याच्या ढिगातून दुर्गंधी आल्याने दोघांचेही मृतदेह या जंगलात आढळून आले। दगडाने वार केल्याने त्यांचे शरीर चित्रविचित्र झाले होते। माहिती मिळताच बेला पोलिसांसह स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे। दिनांक 18/7/2001 रोजी तक्रारदार त्याने आपले मालगावचे आणि आपला रिपोर्ट दिले की माझे दोन भाऊ आमचे मिसिंग झाले आहेत म्हणून, भावनाने संतोष सिंग आणि संगत सिंग म्हणून। त्याप्रमाणे आपण तपास सुरू केला, आजपासून परिसरात संशयदेखील चौकशी केली। नंतर 20 तारखेला त्यांनी असं रिपोर्ट दिला की आम्हाला जयसिंग तिलपेदिया, अवकार सिंग तिलपेदिया यांच्यावरती शक आहे की यांनी आमच्या भावांचा हा बरोबर काहीतरी केला असावा। त्याप्रमाणे आपण त्या साक्षीदार सगळ्या पूर्ण परिसर पिंजून काढला तो। त्यानंतर आपल्याला खबर मिळाली, तपासादरम्यान खबर मिळाली की त्यांचे दोन ह्या दोघांचे शव मृतकांचे बेलापर जंगलामध्ये आहेत। त्याप्रमाणे आपण तिथं
फुल स्टाफ पंच सर्व संघामध्ये चौकशी केली असतात त्या लोकांची मुक्ती देत असतात त्या जंगलामध्ये मिळून आलो. त्याप्रमाणे मग आम्ही फिर्यादीची पुन्हा तक्रार घेतली. फिर्यादीचे तक्रार होते म्हणजे सिंग तिलपितिया अवकाश तिलपितिया आणि विकी दाडसे यांच्याविरुद्ध या ठिकाणी म्हणून त्या ठिकाणला लोकांना मारून जंगलात मुक्त टाकल्यावर त्यांचा गुन्हा दाखल केला आणि तत्काळ पोलीस पथक रवाना केली. आपल्याला आरोपी मिळून आले तिने आरोपीला आपण अटक केली आहे. मान्य कोर्टाने 28 तारखेपर्यंत त्यांचा PCR मंजूर केला आहे. तपास चालू असून तपासात पुढील गोष्टी निष्पन्न होतील कुठल्या गोष्टी काय काय कशाने मारलं काय त्याच्यामध्ये सर शेवाची तैनात झाली होती का त्यांनी शिरात केली होती का तुम्ही जे शेव तुम्हाला भेटले ते कुजलेल्या अवस्थेत होते. त्याच्या आरोपी म्हणजे मैदानचे केस म्हणजे पंजाब असल्यामुळे लांबचा केस त्याच्या अंगाचे कपडे अजून त्याच्या गळ्यामध्ये चेन हातामध्ये चेन म्हणजे होते अंगठी वगैरे त्याने मग त्यामध्ये फिरेने ओळखले की हे माझे भाऊच आहेत म्हणून. अच्छा हे मृतदेह तुम्हाला जंगलात सापडले होते का जंगलामध्ये कोणत्या म्हणजे कोणत्या अवस्थेत होते एकदम कुजलेल्या अवस्थेत होते आणि त्यांच्या अंगावर काडी वगैरे टाकली होती म्हणजे जेणेकरून लोकांना ओळखली नाही होती बॉडी आहे म्हणून. त्यांना शवचेदन करण्याकरिता मग जागेवर गेली की आम्ही शवचेदन डॉक्टरला रिपोर्ट दिले. डॉक्टर जागेवर बोलून पोस्टमॉर्टम जागेवर केले. अच्छा समोरच्या आता जे आरोपी आहे तुमच्याकडे आता अटक झालेले यांना कोर्टात तुम्ही सादर केलं होतं का? आज सादर केलं कोर्टाकडे. कोर्टाने 28 तारखेपर्यंत त्यांचा पोलीस कचेरी मंजूर केलं आहे. अच्छा अधिक बातम्यांसाठी बघत राहा स्टार एपिक्स न्यूज स्टारचा वार.